हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 11, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, सब टॉपिक 5। द नेम ऑफ द सब टॉपिक 5 इज थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली थर्मल का मतलब है तापमान या फिर टेम्परेचर। तो कोई भी टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से या टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से मटेरियल पे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा या फिर जो स्ट्रेन क्रिएट होगा, उस स्ट्रेस या स्ट्रेन को कहा जाता है थर्मल स्ट्रेस। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मटेरियल एक्सपांड्स एंड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर इट कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ द फ्री एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इज प्रिवेंटेड, स्ट्रेस विल बी जनरेटेड इन द मटीरियल, इट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। सो जब भी कोई मटेरियल होता है उसको हम गर्म करते हैं, तब उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जब कोई भी मटेरियल को अपन उसके टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसकी लेंथ होगी वो थोड़ी कम होगी, मतलब डिक्रीज होगी। सो अगर ये लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज होने को हम रोक के रखे तो क्या होगा कि वो मटेरियल को गर्म करेंगे, लेकिन हमने रोक के रखा है तो रोकने की वजह से उसके अंदर क्या क्रिएट होगा? स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि हम उसको लेंथ बढ़ानी है लेकिन हमने उसकी लेंथ को रोक के रखा है, तो वो लेंथ बढ़ेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, अंदर अंदर बढ़ेगी। तो अंदर अंदर जो क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेस। क्लियर? गुजराती में एक बार देख लेते हैं। कोई पण पदार्थ नो तापमान वधे तो तेनु विस्तरण थाय छे, अने तापमान घटे तो तेनु संकोचन थाय छे। जो आ विस्तरण के संकोचन ने रोकवामां आवे तो पदार्थ में स्ट्रेस उत्पन्न थाय छे, जेने थर्मल स्ट्रेस कहे छे। सो ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीटीयू के अंदर आपके बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी गई है। ओके, सो आपको अच्छे से थर्मल स्ट्रेस समझना है। एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए ट्रेन की जो पटरी होती है, उस ट्रेन की पटरी को जब समर आता है तब सूर्य की जो गर्मी है उसकी वजह से जो लोहा है वो थोड़ा बढ़ता है, पटरी की लेंथ है जो थोड़ी इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज हुई इस लेंथ को हम कहेंगे थर्मल एक्सपांशन, मतलब टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ इंक्रीज हुई तो वो थर्मल एक्सपांशन हुआ लेंथ का। ओके, तो ये है हमारा लाइव एक एग्जांपल, जो ट्रेन की पटरी का ही देख ले अपन लेते हैं। तो उसकी जो चेंज इन लेंथ होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे एक रोड ले लिया है, इस रोड के अंदर एक एंड जो है वो फिक्स है, ये वाला, दूसरा यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए। ए एंड जो है वो फिक्स है और बी एंड जो है वो है हमारा फ्री, मतलब इधर कोई सपोर्ट या कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ये एक्सपांड हो सकता है। अब इसकी नॉर्मल लेंथ है एल। अब इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो एक्सपांशन हुई और उसके अंदर डेल्टा एल जितनी लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ गई। ओके, तो नॉर्मल लेंथ हो गई हमारी एल और एक्सपांशन हुई लेंथ हो गई हमारी डेल्टा एल। सो इस लेंथ को हम कहते हैं इंक्रीज इन लेंथ
डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, थर्मल एक्सपांशन का मोस्ट एम्पी फॉर्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू टी। तो टी क्या है, टी है इंक्रीज इन टेम्परेचर, अल्फा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो एग्जाम के अंदर आपको दिया रहता हुआ है, और एल जो है वो उसकी नॉर्मल लेंथ जब वो लेंथ थी फर्स्ट लेंथ, तो वो हो गई आपकी एल। सो चेंज इन लेंथ या फिर डेल्टा एल विल बी एल इंटू अल्फा इंटू टी। अब अगर हम इसको दोनों एंड से रोक दे, मतलब दोनों एंड को फिक्स कर दे या फिर उसकी जो लेंथ है उसको रोकने के लिए हमको दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसकी लेंथ रुकेगी, वरना तो बढ़ती जाएगी। सो इफ द एक्सपांशन इज टू बी प्रिवेंटेड एक्सटर्नल कंप्रेसिव लोड बी इज रिक्वायर्ड। सो लंबाईमां થતા વધારો રોકવા માટે કમ્પ્રેસિવ લોડ લગાડવો પડે છે। તો અગર લેન્થ આપકી એસે બઢ રહી હે તો આપ ઉસકો ફોર્સ કોન સી ડાયરેક્શન મે લગાના પડ, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન મતલબ એસે, એસે મતલબ કમ્પ્રેસિવ લોડ। તો યે પી છે ઇસકા જો ડાયરેક્શન આપ દેખ પા રહે હો ઇસ સાઈડ હે ઓર ઇસ પી કી ઇસ સાઈડ। सो ये दो हो गए आपके कंप्रेसिव लोड। अगर आप रोकोगे तब इसके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो आपका थर्मल स्ट्रेस माना जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ भी कम होगी, मतलब वो सिकुड़ेगा, क्लियर। तो लेंथ जो है हमारी एल थी, अब उसकी लेंथ कम होकर डेल्टा एल जितनी कम हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इस लेंथ को रोकने के लिए, कम होते लेंथ को रोकने के लिए हमको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये पी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाना पड़ेगा, लोड लगाना पड़ेगा, तभी इसकी लेंथ कम होती हुई रुक जाएगी। सो इसके अंदर भी अगर डिक्रीज भी होती है लेंथ तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू टी, जहां पे L है लेंथ ऑफ द मेंबर, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन एंड T इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो वहां पे हमको कंप्रेसिव लोड लगाना पड़ता था उसकी लेंथ को बढ़ती हुई रोकने के लिए, लेकिन यहां पे इसकी लेंथ कम हो रही है इसके लिए हमको उसको टेंसाइल लोड लगाना पड़ेगा ताकि वो उसकी लेंथ कम ना हो। सो लंबाई में तो घटाड़ो रोकवा माटे टेंसाइल लोड लगाड़वो पड़े छे। ओके नाउ अब इसके डेरिवेशन हम देखते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कशन किया, अब आता है थर्मल स्ट्रेन। सो थर्मल स्ट्रेन એટલે પદાર્થના તાપમાનમાં થતા ફેરફારને લીધે પેદા થતી સ્ટ્રેનને થર્મલ સ્ટ્રેન એટલે કે તાપમાન વિકૃતિ કહેવામાં આવે છે। ઇંગ્લિશ મેં થર્મલ સ્ટ્રેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ ઇન લેન્થ ડ્યુ ટુ ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર અપોન ઓરિજિનલ લેન્થ। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितनी थी, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला था वही हमने इधर पुट कर दिया, एल इंटू अल्फा इंटू टी, एंड ओरिजिनल लेंथ हमने कितनी थी, एल थी। तो यहाँ पे ये वाला एल और ये वाला एल कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, एप्साइलॉन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द थर्मल स्ट्रेन। ओके सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द थर्मल स्ट्रेन, एप्साइलॉन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, एंड टी क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एप्साइलॉन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। आइए अब नेक्स्ट थियरी पढ़ते हैं। तो नेम ऑफ द थियरी इज थर्मल स्ट्रेस फॉर यील्डिंग and not yielding supports। मतलब जो supports हैं, हमने दोनों तरफ supports दिए हैं, तो supports अगर खिसक रहे हैं तो वो yield कहा जाएगा, समझ गए। अगर support अपना position change कर रहे हैं या फिर support के बीच में हमने position दे रखी है तो उसको yielding माना जाएगा।
फॉर यील्डिंग एंड नॉट यील्डिंग सपोज, ओके, मतलब कितने खिसक रहे हैं, खिसकने को बोलते हैं हम यील्डिंग। तो पहले हम बात करेंगे अगर सपोर्ट फिक्स है तो, अगर सपोर्ट आपके फिक्स है तो थर्मल स्ट्रेंथ एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी एंड थर्मल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई, ये कहां से आया, तो ये वाला फॉर्मूला आया है कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के ऊपर से आया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम इधर ले जाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन को मैं इधर ले जाऊंगा तो इसलिए मैंने स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई लिखा हुआ है, ओके। तो अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी है, अब एप्सिलॉन की जगह पे मैं इधर अल्फा इंटू टी पुट कर दूंगा हियर, सो थर्मल स्ट्रेस विल बी अल्फा इज इक्वल टू सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर नॉट यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट फिक्स है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, समझ गए सब लोग, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट अगर चेंज हो रहा है या फिर सपोर्ट के अंदर बिटवीन थोड़ी जगह है, सो जैसे एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है आपका एक एक सपोर्ट है एक इस एंड पे, और इस एंड के ऊपर ये जो सपोर्ट है वो होगा थोड़ा दूर, ओके। तो इन दोनों के बीच में जगह कितनी रह गई, डेल्टा जितनी जगह रह गई, क्लियर। सो जो ये स्पेस रहेगी ये बीच के अंदर उसको हम कहेंगे डेल्टा, ओके, या फिर यील्ड कहेंगे, उतना सपोर्ट मैंने खिसकाया, थोड़ा सपोर्ट को मैंने क्या किया, थोड़ा खिसकाया, तो कितना खिसकाया, डेल्टा जितना मैंने सपोर्ट को खिसकाया, मतलब इधर होना चाहिए लेकिन मैंने खिसका के सपोर्ट को इधर रखा हुआ है, ओके, समझ गए सब लोग। तो इस चीज को आगे हम देखते हैं, सो लेट यील्डिंग ऑफ द सपोर्ट इज इक्वल टू डेल्टा, ओके, इधर ये डेल्टा लिखा हुआ है। सो जो एक्चुअल चेंज इन लेंथ होगी उसमें से ये डेल्टा को हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि जब तक कोई भी फोर्स इसके ऊपर लगेगा नहीं या फिर सपोर्ट फिक्स नहीं होगा तब तक उसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगेगा ही नहीं। सो इधर तक अगर लेंथ बढ़ेगी तब तक उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तब तक वो स्ट्रेस फ्री है, लेकिन जब ये सपोर्ट तक छू जाएगा उसके बाद जो उसकी लेंथ के अंदर चेंजेस होगा उसी के अंदर ही उसका स्ट्रेस लगेगा, समझ गए। टेम्परेचर की वजह से ये इसका टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी लेंथ भी बढ़ी, बट इधर तक तो सपोर्ट था, बीच में जगह थी, तो ये जगह तक तो उसको स्ट्रेस कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब ये फिक्स हो जाएगा उसके बाद उसकी लेंथ बढ़ेगी, वही लेंथ के अंदर स्ट्रेस लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये डेल्टा एल है ओरिजिनल वो हो जाएगा एल अल्फा टी, उसमें से डेल्टा को हम रिमूव कर देंगे। डेल्टा को रिमूव करने के बाद सारे को मैंने एल से डिवाइड किया, सारे स्टेप को, तो यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू ई, यहाँ से एक एल निकल जाएगा, यहाँ से एक एल निकल जाएगा, तो बचा अल्फा इंटू टी और यहाँ से डेल्टा इंटू एल, तो ऐसे लिख दिया। नाउ हमको पता है कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई सॉरी एप्सिलॉन इंटू ई। अब जो ये ई है इसके अंदर में पूरी जो वैल्यू है अल्फा इंटू डी माइनस डेल्टा अपॉन एल वो पुट कर दूंगा, ok।
ओके सो स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई. अब उसी जगह पे मैंने ई की जगह पे पूरा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ई की जो सॉरी एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी यहाँ से लेकर. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा टी माइनस डेल्टा अपॉन एल इनटू ई. ओके तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब तक एंड फ्री है, मतलब उसके अंदर हम हिलने की जो जगह दे रहे हैं तब तक उसके ऊपर कुछ भी स्ट्रेस लगेगा नहीं. और जो ये डेल्टा है वो हमेशा डेल्टा एल से कम ही होगा तभी उसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा. अगर डेल्टा है वो डेल्टा एल से ज्यादा हो गया तो इस बीम के ऊपर या इस मटेरियल के ऊपर जीरो स्ट्रेस लगेगा. सो स्ट्रेस विल बी जीरो. तो ये कंडीशन हो गई आपकी, स्ट्रेस कब लगेगा वो देखने की. अगर डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एल से ज्यादा हो गई तो स्ट्रेस आपका जीरो लगेगा, मतलब इसकी वैल्यू ही आपकी टोटल जीरो ही हो जाएगी. समझ में आया सबको? सो दिस इज द थियरी एंड फॉर्मूला फॉर द थर्मल स्ट्रेस. आइए चलो अब हम एक एग्जांपल करते हैं. राइट डाउन वन नोट एंड पेन ले लीजिए, उसके अंदर आपको ये रकम लिखनी है. 2 mm लंबा पोलाद का सड़िया नु तापमान 30 डिग्री थी वधीने 50 डिग्री सुधी वधारवामां आवे छे. तो वधारो केटलो थयो? 30 હતો અને 50 કર્યા તો વધારો કેટલો થયો? 20 ડિગ્રી થયો. તો લંબાઈમાં થતો ફેરફાર શોધો, સ્ટ્રેન શોધો, સ્ટ્રેસ શોધો અને સ્ટ્રેસનો પ્રકાર કયો હશે. તો સ્ટ્રેસનો પ્રકાર તો આપણને અત્યારે જ ખબર પડી જાય. અગર તાપમાન આપણે વધારીએ તો લેન્થ વધે, તો વધતી લેન્થને રોકવા માટે શું કરવું પડે? દબાવવી પડે. તો દબાવવાથી જે સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થાય કયો થાય? કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થાય. ક્લિયર? યહાં પર E કી વેલ્યુ દે રખી હે 2 ઇન્ટુ 10 રેસ્ટ ટુ 5 ન્યુટન પર એમએમ સ્ક્વેર. આલ્ફા કી વેલ્યુ દે રખી હે 12 ઇન્ટુ 10 રેસ્ટ ટુ માઇનસ 6 અપ 6 પર ડિગ્રી. ઓકે આઈએ અપન ગિવન ડેટા લખતે હૈ. જૈસે કી હમને ડિસ્કસ કિયા લે ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 डिग्री. अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है, अब लेंथ दे रखी है 2 मीटर. तो मीटर को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? एमएम में. तो 2 मीटर इज इक्वल टू 2000 एमएम. सो फर्स्ट हमको फाइंड करना है स्ट्रेस. तो पिछले जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किए उस फॉर्मूला में स्ट्रेस की वैल्यू आप लिख लीजिए. स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई. सो नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारा, सारी वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, टी की वैल्यू पुट कीजिए एंड ई की वैल्यू पुट कीजिए. सो हियर इज द फाइनल आंसर. तो स्ट्रेस अपना क्रिएट होगा 48 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ओके जैसे हमने डिस्कस किया ये स्ट्रेस कौन सा लगेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस. ये याद रखना है, जब इसकी लेंथ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लेंथ बढ़ती है तब स्ट्रेस क्रिएट होगा, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट होगा. नेक्स्ट हमको दूसरा क्या फाइंड करना था? स्ट्रेन. तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी. तो नॉर्मल इजी एग्जांपल है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू फाइंड करके आंसर लिखना है डायरेक्ट. ये क्वेश्चन जीटीयू के अंदर आपका पूछा गया है. तो स्ट्रेन हो गया 2.4 इनटू 10 रेज़ टू -4. अब हमको फाइंड करना है चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल बराबर एल इनटू अल्फा इनटू टी. इसका दोनों एंड फ्री है, मतलब ये एकदम फ्री है, इसको बढ़ने के लिए अपन बढ़ा सकते हैं. अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा.
तो एल की जगह पे 2000, अल्फा की जगह पे 12 × 10⁶ और टी की जगह पे 20 पुट किया। ओके नाउ केल्सी की मदद से फाइंड किया तो हमको वैल्यू मिली डेल्टा एल बराबर 0.48 mm। तो इसकी लेंथ इतनी बढ़ेगी। ओके और इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा वो लगेगा कितना था स्ट्रेस हमारा 48 newton per mm square। ओके सो ये न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। अगर किसी को किसी में भी डाउट है तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है। ओके नाउ टाइम फॉर दी होमवर्क। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, आपको डेफिनेशन लिखनी है। डिराइव फॉर्मूला फॉर द थर्मल स्ट्रेस फॉर यील्डिंग एंड नॉट यील्डिंग, जो हमने डिराइवेशन किया वही आपको फिर से देखना है। और यही होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे आज के आज ही सबमिट करवाना है, ठीक है, तभी आपकी अटेंडेंस रेगुलर होगी। और अब हमारे ऑनलाइन लेक्चर के अंदर 10 से ज्यादा लेक्चर्स हो गए हैं, तो सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि रेगुलर डेली टू डेली लेक्चर अटेंड करें और डेली टू डेली असाइनमेंट आपका सबमिट करवाएं। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।